सास के सर पे बहु मेहंदी लगाती हुई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब जी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी बज रहे हैं पता नहीं कितने, और बज रहे होंगे 5 के करीब। तो भाई धीरे धीरे बनाया आज एक बहुत ही शानदार रस कह रहा हूँ, क्या है ये, नींबू पानी की तरह, लेकिन पीने में ऐसा लग रहा है एकदम गन्ने का सा टेस्ट आ रहा है, गन्ने का सा जूस, गन्ने के जूस का। यार कैसे, तुम समझ गए ना बस। और भाई ले लो, सास बहू की गप सप चल रही है, और इसी के साथ सास के सर पे बहू मेहंदी लगाती हुई, और मम्मी ने कटोरी पकड़ी हुई है। अरे पागल है। तो भाई आज मैं गया था गुड़गांव अपनी एक बूढ़ी दादी को लेके 3 नंबर से। तो भाई मैं आया 3 बजे, और इतनी गर्मी बाहर, तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है 2-3 दिन से, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और रात को फिर यार अंदर और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी घर में एक नया, समझ रहे हो ना, अभी इसकी व्यवस्था बनाएंगे, देखते हैं। बस इसका तो बना लेगा खुद, अरे खुद एक मन करता रहा। अरे मैं गलती से 3 ग्लास मैं तो गिर लेता तो दिना और ले आवा। रीप किज्जा है वो दिना तो रखा ही होगा उसमें, उस समय तक यूज करन ना रे, पता नहीं रखा रहा भाई। मम्मी के सिर पे ऐसा बना दिया शंख की तरह, शंख का मुंह नहीं होता, ये देखो मैं नहीं बच रही, ये देखो इस मम्मी और ले ना, अपने मुंह को लगाओ और ओह मेरी उंगली में लगी, और शंख बजा दो। टेस्ट कती ऐसा नहीं आ रहा जैसे गन्ना का जूस हो, पीस के बना दे मेरा और भी स्वाद। इसने कैसे कराया है, पीसने से अलग हुआ है, रस निकल जाए ना पीसने से उसका सारा, पीसने के बाद उसको निचोड़ा भी है मैंने 2 बार। तो भाई हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, देख रहे हो क्या? ना मैं ना लगवा। और भाई अभी शाम को हमारी भयंकर वाली होगी लड़ाई पड़ोस में एक अंकल से, मैं भूल गया एकदम समय, ले फिर ब्लॉग में ले लेता तो मेरा फिर लड़ाई का मूड नहीं होता ना यार। लड़ाई का मूड क्या भाई, एक चीज़ बताओ, मैं मेरे एक ब्लॉग में देखा होगा, एक कोई क्या नाम, उसका नाम याद नहीं मेरे को, एक के डॉग को दिखाने में लेके गया था। तो भाई उसके कुत्ते को मैं दिखा लाया, मैंने उसको बोला, अपने भाई को बुला ला, कह रहा मेरा भाई है नहीं, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, कोई भी नहीं है। भाई मेरे घर के बाहर खड़ा होकर रोने लग गया, भाई मुझे लेके चलो लेके चलो लेके चलो डॉक्टर के पास। तो मैं ले गया, भैया जो फीस लगी है वो तो देगा ही देगा, घर पर आके बोलता मम्मी हम फ्री वाले डॉक्टर के पास गए थे, और मेरे को कह रहा भैया मैं पैसे जमा कर रहा हूँ और मैं दे दूँगा आपको। उसकी एक पता नहीं कौन जी जाए कौन है पता नहीं, उसको बोला, उसके भाई को बोला, आज उसकी मम्मी मिल गई उनको बोला, तो कह रहे वो तो बच्चा है तुम समझदार हो ये वो। मैंने सुना दी भाई बढ़िया वाली, बस थोड़ा सा प्रसाद नहीं दिया उनको, क्या फ़ायदा लड़ाई झगड़े में, कुछ भी नहीं है भाई, इज्जत की ज़िंदगी से अपना जियो आराम से। अरे नहीं देने तुम्हें 300 रुपये, नहीं देने 300 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे इंसान को तो गलत मत बोलो ना, तुम मुझे झूठा बना रहे हो कि भैया अब दे दूंगा आज, अब दे दूंगा। उसके भाई भी कह रहा भैया मैंने मम्मी को बोल दिया दे देंगी, और आप फिर इतना बड़ा बवाल कर दिया, बताओ बेमतलब में। तो गाइस इसलिए आप भी थोड़ा सा अवेयर हो जाओ आगे से, सारे किसी के बच्चे बच्चे को मत लेके जाओ, सीधा उसके घर पे जाओ। पहली बात तो यार किसी का काम करो ही मत भाई, खुद कर ले, मर भी रहा हो ना तो नहीं कहे तो भाई खड़ा हो जाए तो चला जा, भलाई का ज़माना नहीं है। और ये देखो मेरे को देख रही है मिसेस, उसकी वजह से मैंने इनसे डांट सुन ली, मम्मी भी मेरे को कह रही तू क्यों लेके गया, मिसेस भी मेरे को कह रही, धीरज भी मेरे को बोल रहा, लेकिन मैं हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा ही दयावान बन जाता हूँ ना, वो दयावान का नतीजा निकल गया। अरे घर के बाहर आ गए थे बिल्कुल। तो अभी हम सब ठीक हैं, और शाम के 5 बज गए यार, यार इतना 5 नहीं भाई 6:45 बज गए, 6:45 हो गए।
और थोड़ी बहुत देर बाद अंधेरा हो जाएगा, फिर वही खाना पीना। तो भाई अभी बज रहे 8 और हमारे पड़ोस के बच्चे बोलने लगे चाचू आज मोमोज बना लो। उन्होंने मेरे को बोला था 6 बजे, तो 6 बजे भाई फिर हमने थोड़ी सी एक योजना बनाई। उसके बाद वो अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए। तो पहले हमने स्ट्रीमर में करे, ये इतना गंदा स्ट्रीमर है, ऐसा स्ट्रीमर गाइस कभी मत लेके आना। एक तो इसमें पानी बहुत कम आता है और दूसरी चीज़ ये किसी काम का है ही नहीं। तो अब हमने देसी जुगाड़ बनाया, ये पतीला, पतीले में हमने रखी है छलनी और छलनी में डाले ये, और ऊपर से इसको ढक दिया और गैस कर दिया हमने तेज। अब ये स्ट्रीम बनेगी धीरे धीरे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ये तो बहुत गंदा स्ट्रीमर है। बाकी हमारा खाना बन गया है, अभी मोमोज का ही वेट हो रहा है। और भाई जितने उन्होंने बोले थे उतने तो बने ही नहीं है। ये तो मेरे को लग रहा है टोटली सारे हमारे 20-22 मोमोज बने हैं और थोड़ा सा ही बच भी गया है हमारा मटेरियल। तो मम्मी कह रही है इसको कल हम बना लेंगे। और ये हमारे घर आ गए आज गुन्नू, ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है। देखो कबड्डी 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 है, कबड्डी कबड्डी कर रहे हो, कबड्डी कबड्डी। नाक में अब 11 बजे रहा है। क्या ना सोवे। और हमारे पिताजी तो मैच के इतने बड़े वो हो गए, क्या बोलते उसको, एक आदि होना, बस आते ही मैच चला दो मैच। खाना वाना खा लिया पिताजी ने और अब देख रहे हैं मैच। बाकी हम बस इंतजार कर रहे हैं जल्दी से हमारे मोमोज बन जाएं। मगर मैंने आज चटनी वटनी कुछ बनाई भी नहीं यार, कुछ भी नहीं बनाई। तो थोड़ी देर उनका वेट करते हैं, बनने के बाद देखते हैं कैसे बने हैं। तो भाई अभी 15 मिनट हो गए हैं और शायद हमारे मोमोज बन के रेडी हो गए हैं। हो गए ना धीरज, देखिए अच्छा रखा तुमने तो इसमें तो लगी ना बाप। सही है, पक गई ये और ज्यादा सही है। तो खुल रहा है, वो तो खुल रहा हो गया पक गया। तो ढक दे ज्यादा गया फूको को भाई। 2 मिनट और इनको करेंगे फिर हमारी चटनी भी रेडी हो गई है टमाटो की। और 2 मिनट इसको करके फिर अपना आपको खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। चटाकेदार झटाकेदार हमारे मोमोज फाइनली बन के रेडी हो गए हैं, ये लो। और अब हम फटाफट इनको निकालते हैं प्लेट में, और भूख भी लग रही है यार, मेरा अंगूठा जल गया। लो हाजिर है, लो भाई क्या हो गया। तो भाई अब इनको टेस्ट करके देखते हैं थोड़ी चटनी को डालिया। अरे मच्छर उड़ रहे हैं, कूलर चला लेना है। एक कूलर चला ये तर चटनी सारी कपड़ा पड़े इधर कोने पड़े जी जी इन न तो दर्द दे को मच्छर इस वजह से आ रहे हैं, इस वजह से हां खाओ। ये लो भाई, हां भाई थारा बड़ा है दे दे के का करे को भी के स्वाद है 10 तारीख का। हां भाई, हां वे नहीं मोमोज है नमक का मेरा अपना। तो भाई हमारे मोमोज हो गए खत्म। ओए पहले गाट बांध के देगी, उतना ज्यादा टेस्टी भी नहीं थे और खराब भी नहीं थे, क्योंकि यार हम डेली बेसिस पे बनाते नहीं है ना, कभी 6 महीने में 7 महीने में बना लिए तो ठीक है, इसी बार दोस्त पर टिक जा। बस थोड़ा सा नमक कम हो गया था मोमोज की जो फीलिंग थी। और अब हम खाएंगे खाना, फिर देखते हैं 2-4 दिन में ट्राई करेंगे, या फिर एक हमारी दीदी है उनसे बनवा के लाएंगे। आप ही ना बनाओ मोमोज, डोसा बना दियो करो, इसका बढ़िया सूखा प्लेन डोसा में मजा। इसमें टाइम भी ज्यादा लग जाए ना भाई,
बताओ टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इतने मैप नहीं बनाए, क्या मंचूरियन की बॉल बने है? क्या मंचूरियन बन जावे मंचूरियन भाई? हमारा खाना आ गया। तो भाई आज हमारे घर बने हैं सूखे बैंगन, आलू और ये चटनी। तो आप फटाफट अपना खाना करते हैं फिनिश, बाकी सबने खा लिया, मैं और धीरज बचे हैं। सो हे गाइस, आज का हमारा खाना पीना हो गया कंप्लीट और इसी के साथ आज के ब्लॉग हम कर रहे हैं पे एंड, और मिलते हैं आपसे कल के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग हमारा पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हैं हम जो कुछ हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो गाइज, और मिलते हैं आपके साथ कल के नए व्लॉग में एक नई किरण के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। ओके, गुड नाइट।